नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से, गांव की गलियों से, जो आपको अपडेट रख सके, आपके जीवन को प्रभावित करता हो। तो पहले हम नजर लेते, इसमें शामिल करते हैं बिहार पंच सरपंच संघ की खबरें। पंच सरपंच संघ अपने अधिकारों के लिए क्या बना रहा है रणनीति, और कब से पंच सरपंच को मिलेगा उनके अधिकार। और वहीं नगर निगम के चुनाव को लेकर बज गया है बिगुल। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है नामांकन शुल्क की सूची। वहीं बिहार के 19,43,000 किसानों को पीएम योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो शुक्रवार को छुट्टी या पढ़ाई को लेकर सरकारी स्कूलों में, इसको लेकर बिहार में भी विवाद गहराता जा रहा है। और दो पान मसाला कारोबारियों के पास से 2.5 करोड़ का कैश हवाला ट्रांजेक्शन का शक है। वहीं वोवो इंडिया में 2,217 करोड़ की कस्टम ड्यूटी की चोरी पकड़ी गई है। तो हम नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। नगर पालिका चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद प्रत्याशियों के लिए तय किया नामांकन शुल्क। नगर निगम के मेयर पद के सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन के लिए 4,000 और आरक्षित कोटे के प्रत्याशियों के लिए देना होगा 2,000 रुपये शुल्क। वहीं नगर पंचायत के उप पार्षद के लिए 800 रुपया सामान्य वर्ग और आरक्षित कोटे के लिए 400 रुपया। वहीं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के लिए सामान्य कोटि के 800 रुपया और आरक्षित कोटि के 400 रुपया। नगर परिषद के पार्षद के लिए जहां सामान्य को 1,000 आरक्षित को 500 रुपये देने होंगे, वही नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के लिए 2,000 सामान्य और 1,000 आरक्षित कोटे के, वही नगर परिषद के मुख्य पार्षद के लिए 2,000 सामान्य कोटि के लिए और 1,000 आरक्षित कोटि के लिए। तो इस तरह से जो सूची जारी कर दिया गया है और नामांकन शुल्क भी जारी कर दिया गया है, जल्द ही घोषणा हो सकता है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर यह मामला फंसा हुआ था। और वे खुशखबरी है शिक्षकों के लिए कि NIOS ने रोक हटाई, अब वेतन भी मिलेगा। जी हाँ, इंटर में 50% से कम अंक वाले DLED पास शिक्षकों को डिग्री मिल जाएगा। इंटरमीडिएट में 50% से कम अंक पाने वाले वैसे शिक्षक जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से DLED डिप्लोमा इन की डिग्री लिए थे, उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। NIOS की 372वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं उन पर लगाए गए नोट कंप्लीमेंट हटा दिया जाएगा, अब उन्हें DLED की डिग्री मिल जाएगी। और वहीं बिहार में तिथि समाप्त हो गई है अब पीएम किसान योजना को लेकर EKYC का। बिहार के 19,43,000 किसानों को पीएम योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना KYC नहीं करवाया है। और इधर हम बात करें कि बिहार में भी अब सियासी बवाल मचने लगा है। शुक्रवार को छुट्टी पर सियासत होने लगी है। अल्पसंख्यक आयोग व मंत्री ने कहा कि शुक्रवार को छुट्टी सही है। भाजपा बोली आयोग सरकार से ऊपर नहीं। अल्पसंख्यक आयोग का तर्क था कि अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा विभाग को लिखे 3 पत्र शिक्षा सेवा संहिता 2265 की धारा 7 का हवाला भी दिया, कहा कि दबाव नहीं सलाह दे रहे हैं। उसी पर शिक्षा मंत्री ने कहा था रिपोर्ट आने के बाद लेंगे नियम संगत फैसला। अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा हमारी सरकार वही काम करे जो जनता के हित में हो, प्रेम भाईचारा बना रहे। इस पर भाजपा ने कहा है आयोग को सरकार बनाती है, आयोग सिर्फ
अनुशंसा करता है। वहीं मंत्री बोले, उर्दू स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी होती है, इसमें दिक्कत नहीं है। विवाद बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने संबंधित स्कूलों से रिपोर्ट मंगाई है। वहीं आयकर का छापा पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में 18 जगहों पर कार्रवाई की गई है। दो पान मसाला कारोबारी के पास से 2.5 करोड़ कैश का हवाला ट्रांजेक्शन का पता चला है। अन अकाउंटेंट खरीद बिक्री का ब्यौरा भी मिला है। व्यवसायी ने फ्लैट के बगल की कॉलोनी में बनाई नई इमारत। बड़े जर्दा कारोबारियों के यहाँ छापे, अन्य में मचा है हड़कंप। वहीं अगर हम बात कर ले वैशाली में, बेलगाम हाईवा ने कई दुकानों को रौंदा, वहां बैठे 4 लोगों को कुचलकर मौत हो गई, 15 घायल हो गए हैं। हाजीपुर ताजपुर SH 49 पर पातेपुर के बहुआरा में हुई घटना, लोगों का हंगामा। अररिया में ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक व कनीय अभियंता घूस लेते हुए गिरफ्तार हो गए। और एक बहुत बड़ी खबर है, बार बार पंच सरपंच संघ अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करना चाहते हैं और बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब पंच और सरपंच संघ भी अब आंदोलन के मूड में है। तो प्रदेश पंच सरपंच संघ 5 अगस्त को मांगों को लेकर जिलों में करेगा प्रदर्शन। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के तत्वाधान में 5 अगस्त को सभी 38 जिला मुख्यालयों पर संबंधित जिलों के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ग्राम कचहरी एवं इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाने हेतु 11 सूत्री मांगों के समर्थन में एक दिवसीय विशाल धरना करेगा। जी हाँ, 5 अगस्त को सभी जिला मुख्यालय में सरपंच पंच संघ अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में विशाल धरना का आयोजन करेंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और कौन से 11 सूत्री मांग है हम बताएंगे उसके लिए। और इधर हम बात करें कि केंद्रीय मंत्री ने स्वीकारा, मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के 12 विभाग अभी भी चल रहे हैं किराए के भवन में, और छोटी छोटी नदियों को जोड़कर सिंचाई सुविधा और बाढ़ सुरक्षा पर होगा काम। जंगल संसाधन मंत्री ने नदी जोड़ की योजना के तहत निर्मित बराज को देखा और राजद के संगठनिक चुनाव की प्रक्रिया 16 से शुरू होगी। वहीं दूसरी खबर यह भी है, पंचायती राज विभाग से ही है, कि पंचायती राज विभाग ने मसौदा तैयार कर लिया है। अब मुखिया जी को के कामों पर वार्ड सदस्यों का भी नजर रहेगा। मुखिया जी का जो भी फंड आता है, जो भी कार्य होता है, उस पर वार्ड सदस्य भी एक निगरानी समिति रहेंगे और वार्ड सदस्य उस काम में हिस्सेदारी निभाएंगे। तो देखते हैं इसमें साइनिंग अथॉरिटी वार्ड सदस्यों को मिलता है कि नहीं मिलता है, कि सिर्फ निगरानी का जिम्मा मिल रहा है। जैसे ही खबर निकल कर आएगी आपको हम बताएंगे। वहीं छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट को लेकर अनुसंधान तक पहुंचेगा फायदा। 3 सेशन से नैक का ए ग्रेड अब चौथे के लिए करेगा अप्लाई। और सूबे की सभी नदियों में बढ़ा पानी का स्तर, गंगा में पानी खतरे के निशान से सिर्फ 1 सेंटीमीटर नीचे। पत्नी का सिर धड़ से अलग किया, शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका, यह घटना है सहरसा की। और आग से बचाव के लिए हो रही है मॉक ड्रिल के दौरान 10 बच्चे बेहोश, अस्पताल में भर्ती, यह खबर आ रही है बेतिया से। शहर के संत जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल में यह घटना घटी है। और मिसाइल अभ्यास कर चीन बोला, अमेरिका ताइवान भुगतेंगे नतीजे। अभी बहुत ही तनाव बढ़ा हुआ है और विश्व जो है एक नए युद्ध की आशंका मंडरा रही है। इस खबर पर सबकी नजर बनी हुई है, इस युद्ध से वैश्विक बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। वहीं अयोध्या से खबर आ रही है, राम मंदिर नींव और प्लिंथ का काम पूरा, तराशे गए पत्थर लगाने शुरू हो चुके हैं। बाल रूप में नई प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामनवमी पर सूर्य की किरणें कुछ मिनट के लिए गर्भगृह को आलोकित करेगी। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।